एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जिले में टेराकोटा प्रोडक्ट का चयन किया गया था, जिसकी प्रदर्शनी लखनऊ में ODOP के तहत लगाई गई थी, जिसका शुभारंभ लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल राम नाइक, CM योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम लाइव डेमो गोरखपुर के GDA सभागार में जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, विधायक महेंद्र पाल सिंह, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, BJP के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, CDO अनुज सिंह, ADM प्रशासन प्रभुनाथ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने टेराकोटा के 7 उद्यमियों को ऋण वितरण किए। इसके अलावा गुलहरिया बाजार में आयोजित कार्यक्रम में भी शिल्पकारों को ऋण वितरण का किया गया, जिससे वे अपने उद्योग को बढ़ा सकें और अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर सकें। GDA सभागार में आयोजित कार्यक्रम लाइव डेमो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाइक और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि UP सरकार जहां बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही, वहीं छोटे छोटे कारोबार करने वाले का जीवन सराहने में लगी है, जो काफ़ी सराहनीय है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार की सिंचाई तथा जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अन्य अधिकारीगण इसका संवाद करेंगे, इसको इस्तेमाल करते हैं और सबको अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी इस समय नेशनल और स्टेट लेवल पर इस प्रदर्शन का हिस्से के लिए या फिर एक जनपद एक उत्पाद मंजिल तक पहुंचना, तमाम ऐसे जनपद हैं वो चाहे प्रतापगढ़ के आंवला गाड़ी लेते हुए कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, ये देखिए वो देखिए बैठने की एक जिसको गांव में हम लोग मजिया कैलपाल जी माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ में और कोई भी ऐसा मौका वो अपने हाथ से गवाना नहीं चाहते हैं, जो महत्वपूर्ण है जो परिवार धारण करते हैं और अब देखिए सामने लगे हुए और ये जो ब्लैक पॉटरी और ये प्राकृतिक रंग है, इसमें कोई रंग मिलाया नहीं जाता है, बस थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ा सा उन्हीं तालाबों से जो मिट्टी निकलती है उसकी विशेषता विभाग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने का एक ऐसा कस्बा है जो अपने आप में शहर जैसा लगता है छोटा मोटा और वहाँ के ऐसे उत्पाद डेमो देने के लिए और ये टेराकोटा की देखिए भगवान गणेश की प्रतिमा मूर्ति दिखाई पड़ रही है, उसके आसपास प्रतिमा के सामने देखिए कुछ दीपदान टाइप के चीजें रखी हुई है जिन्हें दीप जलाया जाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अनुपेंद्र पांडे और अन्य अधिकारियों के साथ और अगले स्टॉल का इस समय अवलोकन कर रहे हैं और ये देखिए सारे स्थल पर इस कार्यक्रम स्थल पर तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन अपने अपने TV सेट से DDUT लखनऊ की ओर से जो इस कार्यक्रम का कवरेज किया जा रहा है उसके माध्यम से बहुत सी जानकारी पा सकते हैं। तक रहेगी 10-11-12 अगस्त को ये प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, जिन्हें वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के DGP महोदय और अभिवादन दे रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को और माननीय राष्ट्रपति महोदय अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूरे देश की आबादी का कुल 16.5% यानी जो पूरे देश की आबादी है उसका एक छठा हिस्सा आबाद है उत्तर प्रदेश में, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही शानदार। उनका स्वागत करें एक जनपद एक उत्पाद सम्मेलन का।
श्रीमती जानती देवी जी, श्री हरीश प्रजापति जी, सुश्री रूपाली प्रजापति, उसके लिए रोजगार, उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम प्रारंभ हो, ये सब दिमाग क्या हो सकता है। हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। और सौभाग्य इस बात का कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव में कुछ न कुछ इस दिशा में कार्य प्रारंभ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के बाद हमारा एक अन्य कार्य प्रारंभ होने वाला है, वह है विश्वकर्मा परम सम्मान योजना, जिसमें हम गांव के हर एक व्यक्ति को, भारत में अगर गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को सार्थक करने का एक सपना देखा था, उसके पीछे सार्थक सपना और साकार किस रूप में होगा, इस रूप में, क्योंकि भारत का ग्राम स्वराज स्वयं में स्वावलंबी था, उसमें हर एक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे के विकास में अपना योगदान देता था, एक दूसरे का सपोर्ट करता था और गांव खुशहाल था। आपने देखा होगा गांव में नाव भी है, गांव में मोची भी है, गांव में कारपेंटर भी है, गांव में राजमिस्त्री भी है, गांव में हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन उसके लिए कभी देने का प्रयास नहीं हो पाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान को हम इसी के साथ जोड़ने में कोई ना कोई चीज जरूर, जो हमारी इस टीम ने कार्य करना प्रारंभ किया, हर जिले में कुछ ना कुछ जरूर मिला हमें।
कहीं पर पीतल का मिला, कहीं हार्डवेयर का मिला, कहीं सॉफ्टवेयर का मिला, कहीं बांसुरी मिली, कहीं लेदर का मिला, कहीं स्पोर्ट्स का मिला, कहीं टेराकोटा का मिला, कहीं कालीन का मिला, कहीं इत्र मिला, कहीं पर कोई ना कोई चीज जरूर मिली। और पूरे प्रदेश के अंदर इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी समृद्धि जिस प्रदेश में रही, जिन्होंने उसका उद्घाटन किया था। वर्धमान कौन सा दिन कौन सा है यह भी मालूम नहीं था, यानी आपकी ताकत क्या है, हम कौन है, इसकी ही जानकारी नहीं थी। और ऐसे में मैंने आग्रह से सुझाव दिया, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, और कोई बात नहीं होती है तो वो बात मैं छोड़ नहीं देता हूँ। नए मुख्यमंत्री आए उनको मैंने बताया और उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने उस सुझाव का स्वागत किया और आज ऐसे स्थिति में हम खड़े हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान केवल देश में नहीं तो विदेशों में भी होने लगी है और अच्छे ढंग से होने लगी है। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनको सहयोग उनके साथ काम करने वाले सभी मंत्रियों को भी, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए, मंत्रियों को भी अभिनंदन करता हूँ। एमएसएमई उद्यम उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सबसे अधिक उपयोग इन्हीं उद्यमों में हो सकेगा। मुझे बताया गया है कि देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 44% है। हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग गुड्स, कालीन, रेडीमेड कपड़े, लेदर गुड्स में लगे उद्योगों से विदेशी मुद्रा और रोजगार दोनों ही दृष्टियों से लाभ होता है। देखिए आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के तहत देश के राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी आए हुए हैं। ये लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में और गोरखपुर में प्रभारी मंत्री के रूप में मैं हूँ यहाँ। हमारे माननीय विधायक महेंद्रपाल जी, अपने विपिन सिंह जी और सभी अधिकारी सारे कार्यक्रम चल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम हर जिले में एक उत्पाद लगे ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले और जो हमारा कौशल है वो विकसित हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंतर्गत छोटा उद्योग छोटी पूंजी खाता है, ज़्यादा उत्पादन देता है, इससे ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। योगी सरकार इस ओर काम कर रही है, आज इसी के तहत ये कार्यक्रम गोरखपुर में भी। यहाँ की जो मिट्टी है टेराकोटा, इस मिट्टी के बर्तन बनाना, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे स्थानीय स्तर पर जो कला है वो विकसित होने का काम करेगी, अनेकों लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, माननीय योगी जी उसको कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई, अच्छी कमाई और अच्छी सिंचाई, इन सभी कामों को, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, तो ये कमाई का रोजगार उत्पन्न करने का, सृजन करने का अवसर है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम के अंतर्गत एक जिले में कोई ना कोई एक उत्पाद हो, गोरखपुर जिले में अनेक उत्पाद होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। विकास और नंबर दो सुरक्षित, योगी सरकार दोनों प्राथमिकताओं में खड़ी उतरती है। अभी जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम हुआ, ये उत्पादन किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए कृषि और उत्पादन दोनों आवश्यक है। आज यहाँ पर उद्यमी इसलिए आ रहा है कि किसी उद्यमी को तीन बातें बहुत आवश्यक है। नंबर एक सेफ्टी, नंबर दो कनेक्टिविटी और नंबर तीन इलेक्ट्रिसिटी। उत्तर प्रदेश सरकार सेफ्टी में, सुरक्षा में अव्वल है। अपराधी यहाँ अपराध करना बंद कर दिए, भागने शुरू हो गए, कानून व्यवस्था
बहुत अच्छी है जंगल राज समाप्त, और नंबर दो कनेक्टिविटी, व्यापारी तभी आएगा जो आवागमन के साधन अच्छे, तो हमारे रोडवेज रोड बहुत अच्छे हैं, रोडवेज की कनेक्टिविटी ठीक है और एयरवेज की भी कनेक्टिविटी ठीक है, रोडवेज इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे रोडवेज के साथ साथ हमारी एयरवेज रेलवे, ये उत्तर प्रदेश रोडवेज रेलवेज एयरवेज तीनों कनेक्टिविटी से कनेक्ट है, इसलिए व्यवस्था है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली भी हम शहरों को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, तहसील क्षेत्र को 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में तीनों भागों में बहुत अच्छा स्वास्थ्य बन रहा है, विकास और सुरक्षा आगे बढ़ रहे हैं।